हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ जायंट सुपर ट्रक। बहुत ज्यादा बड़ी ट्रक है गाइस। आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी टेस्टिंग और देखेंगे इसकी स्पीड कितनी है। तो चलो वीडियो को करते हैं अभी स्टार्ट। इस जायंट ट्रक को मैंने खरीदा है अमेजोन से। इसका प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अमेजोन, इसे मैंने खरीदा था 2 अप्रैल को। ये रही हमारी जायंट ट्रक। बहुत ज्यादा बड़ी ट्रक है गाइस। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, आज आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है ये वीडियो देखकर। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ट्रक सुपर स्पीड बोलकर। यहाँ पर इसके सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे दी गई हमारी ट्रक की फोटो, इस तरफ भी एक ट्रक की फोटो है। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस जल्दी से, उसके बाद करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है ट्रक RC ट्रम्प कार्ड ब्लेजिंग लाइट बोलकर। यहाँ पे हमारा इतना बड़ा वाला ट्रक। तो चलो दोस्तों बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से हमारे ट्रक को निकालते हैं इस बॉक्स से बाहर। देखते हैं यार कितना ज़्यादा बड़ा ट्रक है। बॉक्स में से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है हमारा ट्रक। ये आ चुका है हमारा ट्रक बॉक्स से बाहर। ओ भाई यार देख सकते हो यार कितना ज़्यादा लंबा सा ट्रक है हमारा इस बॉक्स के अंदर। तो चलो इस ट्रक को निकालते हैं बाहर बड़ी आराम से। और यहाँ पे है हमारे ट्रक का रिमोट। भाई ये आ चुका है हमारा रिमोट बाहर। तो ट्रक को रखते हैं यहाँ पर साइड में। इसके साथ क्या क्या मिला है पहले देख लेते हैं जल्दी से। ये रही इसकी बैटरी। बैटरी है 500 mAh 4.8 वोल्ट वाली। ये रहा इसका चार्जर। और दोस्तों ये रहा इसका रिमोट। काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन है इस रिमोट का, जैसे कि आप देख सकते हो। इस रिमोट के अंदर मैंने ऑलरेडी बैटरीज डाल के रखी हुई है अभी। तो काफ़ी टेक्टाइल बटन है इसके के। रिमोट की क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 27 MHz का रिमोट है ये। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा ट्रक। ओ भाई सच में यार आप इसका साइज़ देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है हमारा ट्रक। तो इसका पीछे वाला जो कंपार्टमेंट है यहाँ से अलग कर लेते हैं गाइस। पहले मैं आपको इसका सामने वाला जो इंजन पार्ट है ये दिखाऊंगा। वाह भाई काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। पूरी तरीके से ब्लैक कलर का है हमारा ट्रक। यहाँ पे लिखा है पाथ फाइंडर बोलकर। भाई पूरी तरीके से ट्रक का डिज़ाइन दिया गया है इसमें। यहाँ पर लिखा है ट्रक सीरीज बोलकर। इस तरफ भी देख सकते हो नीचे है यहाँ पे 2 टायर्स, पीछे यहाँ पे 4 टायर्स लगाए गए हैं। यहाँ पे हमें डालनी होती है बैटरी। यहाँ पे है इसका ऑन ऑफ वाला स्विच। बैटरी भी डाल के बताऊंगा इसमें इसके अंदर बैटरी किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो भाई ये रहा इसका पीछे वाला कंपार्टमेंट। यहाँ पर एक डोर जैसा कुछ दिया गया है पर यह खोलने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से सील है यार। ये लोग यहाँ पर डोर दे देते तो मज़ा आ जाता। इसके अंदर कुछ रख के हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते थे। तो चलो कोई नहीं पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्रेट एक्सप्रेस बोलकर। पीछे वाला डिज़ाइन देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ही शाइनी डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे लिखा है ट्रक सीरीज बोलकर। यहाँ पे इस ट्रक के कुछ फीचर्स लिखे गए हैं जैसे कि हाई एंड कंटेनर ट्रक है ये, लॉन्ग बैटरी लाइफ है इसके अंदर, फन एंड गुड ऑपरेशन है। ऊपर बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। इस तरफ भी सेम बिल्कुल उसी तरह का दिया गया है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो गाइस कितने ज़्यादा टायर्स लगाए गए हैं। इसे हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे है टोटल 6 टायर्स और यहाँ पे है टोटल 6 टायर्स, यानी कि टोटल 12 टायर्स वाली हमारी ट्रक है। सामने यहाँ पे एक स्टैंड भी दिया गया है ताकि हमारा जो पीछे वाला कंटेनर अगर हम निकाल भी देते हैं तो हमारा कंटेनर इस तरह से ठहर सके। तो भाई वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी लगी मुझे इस कंटेनर की। तो चलो दोस्तों अभी फटाफट से हम डाल लेते हैं इसके अंदर बैटरी। वही बैटरी को इसके अंदर डाल देते हैं और ऊपर से लगा देंगे ये कवर। दोस्तों आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर से ऑन कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो भाई बैटरी डाल दी है मैंने, ये स्क्रू भी लगा देता हूँ यहाँ पर। तो चलो अभी इसे ऑन करता हूँ मैं। यहाँ से मैंने जैसे ही ऑन किया यहाँ पे सामने की ओर देख सकते हो 2 LED लाइट्स दी गई है, ब्लू और रेड कलर वाली। काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लिंक हो रही है लाइट्स हमारी। तो चलो दोस्तों ये जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है इसका मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। इस तरह से हम इसे निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं।
देख सकते हो बहुत ही आसान है इसे लगाना। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू को हमें इस होल के अंदर इस तरह से बैठाना है और हमारा ट्रक हो चुका है रेडी। तो चलो दोस्तों भी चलते हैं बाहर, इस ट्रक को टेस्ट करके देखेंगे ये ट्रक की स्पीड कितनी है और हमारा ट्रक सही से चल पाता है कि नहीं। दोस्तों हमारे जायंट ट्रक को मैंने कर लिया है पूरी तरीके से टेस्ट, आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे ट्रक को मैंने बाहर आउटडोर में लेके जाकर पूरी तरीके से टेस्ट किया है। ये जो ट्रक है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर गाइस इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इस ट्रक को यहाँ से निकाल लेते हैं, यार इतना ज़्यादा बड़ा ट्रक है क्या ही बताऊँ मैं। दोस्तों इस ट्रक के अंदर सिर्फ ये जो टायर्स है ये टायर्स ही घूमते हैं, बाकी सब टायर्स कुछ भी काम के नहीं है गाइस, सिर्फ सपोर्टिंग व्हील्स दिए गए हैं। इस ट्रक के अंदर जो बैटरी दी गई है काफ़ी पावरफुल बैटरी है, काफ़ी अच्छा बैकअप दे देती है। इस ट्रक को मैंने 20 मिनट्स तक चलाया गाइस, अभी देखते हैं चल पाती है कि नहीं हमारी ट्रक। तो भाई यहाँ से ऑन करता हूँ मैं इसे, तो भाई अभी भी इसके अंदर चार्जिंग बाकी है। इस बैटरी को मैंने 1 आवर तक चार्ज किया था गाइस, तो शायद ये जो ट्रक है 25 मिनट्स तक आराम से चल जाएगा एक बार चार्ज करने पर। इस ट्रक की सबसे बड़ी दिक्कत लगी मुझे इसकी स्पीड, जैसे कि आमतौर पर जो रियल वाले ट्रक्स होते हैं उनकी स्पीड भी कमी होती है, उसी तरह से गाइस इस ट्रक की भी स्पीड जो है कम दी गई है। इस ट्रक का जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है हम जैसे ही इस ट्रक पे जोड़ देते हैं इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जैसे हम इसका कंपार्टमेंट अलग करते हैं इसकी स्पीड जो है नॉर्मल हो जाती है गाइस। ये जो ट्रक है बहुत ही अच्छी तरीके से टर्न भी हो जाता है इतना बड़ा कंटेनर अटैच करने के बावजूद भी। तो गाइस ओवरऑल
ये ट्रक मुझे ठीक ठाक सा ही लगा, स्पीड थोड़ी सी कम है और दोस्तों इसका प्राइस जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे। इस तरह का ट्रक जो है 1500 से 1600 रुपीज़ में मिल जाता है यार। अगर आप इसे फिर भी खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर इस सुपर जायंट ट्रक को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शॉर्ट आउट। दोस्तों कल मैंने ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की वीडियो डाली थी, काफ़ी कम प्राइस में ये ईयरबड्स मिल रहे थे ऑनलाइन में, इसकी वीडियो मैंने बना के डाल दी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो गाइस जाकर ज़रूर से देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है वमित राणा, आदित्य कुमार, संध्या पटेल, सुफियान, ओम विश्वकर्मा, श्याम मुकेश, रुद्रांश विमल, पीयूष, गौरी शंकर सिरोही, राधे श्याम तिवारी। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम चले करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वाली वीडियो पर लाइक करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।